Enjoy the little thing in life. For one day, you will realize these were big things. जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों का आनंद लें। एक दिन आपको एहसास होगा कि ये बड़ी चीजें थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो राशि के अनुसार क्या डाइट होनी चाहिए। जी हाँ, आपके जो भी राशि है यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके जो भी राशि बनती है उसके अनुसार आपको क्या डाइट लेना चाहिए जिससे आप बीमार भी ना हो और आप सेहतमंद रहें, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं इकट्ठी करके लेके आया हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आहार पूर्ण पोषण देता है तथा शक्ति प्रदान करता है। अगर आप अपने ज्योतिषानुसार यानी कि अपने राशि के अनुसार अगर आप सही चीज़ सही समय पर अपने लिए खाते हैं तो आपको ये शक्ति तो प्रदान करता है, साथ ही साथ आप ग्रह रहित भयंकर बीमारी से भी बच सकते हैं। जी हाँ, अपने राशि के अनुसार आप खाना खाएं और आप अपने आप को स्वस्थ रखें और बीमारियों से दूर रखें। तो बात करते हैं राशियों के बारे में। अगर आपकी राशि मेष यानी कि एरीज है तो आपको मसूर की दाल, बेसन और गेहूं का सेवन अवश्य करना चाहिए तथा तांबे के बर्तन में आपको पकाकर भोजन खाना आपके लिए शुभ साबित होता है। अब बात करेंगे वृषभ राशि यानी वृष राशि के बारे में। टॉरस, इन्हें दाल, गेहूं और सब्जी, हरे सब्जियों पर खूब जोर देना चाहिए, उनके लिए बहुत पोषणदार होता है ये। साथ ही साथ सोने या चांदी के बर्तन में अगर आप खाने का सेवन करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, आपको इस पर जोर देना चाहिए। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में यानी कि कैंसर। इन राशि वाले जातकों को सफ़ेद चीज़ों का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए, जैसे कि चावल, दूध और दही, और हो सके तो इन्हें चांदी के बर्तन में भोजन को जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि उनसे उनकी कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर हो जाते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में जो कि लियो है। इन्हें अरहर, मसूर और चावल, इन चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें जो भी भोजन करना हो वो तांबे के बर्तन में करें जिससे इनके कुंडली के सभी दोष दूर। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में जो कि है जैमिनी। जैमिनी राशि को अपने भोजन में अवश्य करके गेहूं, मूंग की दाल और हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए सोने या चांदी का पात्र अवश्य यूज करना चाहिए ताकि उनके लिए शुभ फलकारी हो। अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में यानी कि लिब्रा। तुला राशि वाले जातकों को चांदी के बर्तन में अपने भोजन को ग्रहण करना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें चावल, दूध और दही का सेवन अवश्य करके करना चाहिए जो उनके लिए पोषक। बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में यानी कि स्कॉर्पियो। इन राशि वाले जातकों को गेहूं, मसूर की दाल और बेसन, इन तीनों चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ इन्हें तांबे के बर्तन में पका भोजन अवश्य सेवन करना चाहिए, आपके लिए लाभकारी हो। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में यानी कि सैजिटेरियस। इन राशि के जातकों को अरहर की दाल, चने की दाल के साथ गुड़ और सेब यानी कि एप्पल, इनका प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ इन्हें सोने के बर्तन में भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो उनके लिए शुभ देता है। बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में यानी कि कैप्रिकॉन। इन्हें उड़द की दाल और केला का सेवन अवश्य से अवश्य करना चाहिए, साथ ही साथ इन्हें लोहे के बर्तन में भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो इनके लिए शुभ फल देता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि जातक के बारे में यानी कि अक्वेरियस। अक्वेरियस वाले लोग उड़द की दाल, केला और तला हुआ भोजन का सेवन अवश्य करेंगे, साथ ही साथ इन्हें भोजन करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करना है वो है लोहे के बर्तन, इनके लिए शुभ फल देता है। अब बात करेंगे मीन राशि वाले जातक के लिए यानी कि पैसेज। इन राशि वाले को अरहर की दाल और चने की दाल का सेवन
सोने के बर्तन में यानी कि उनके बर्तन में करना चाहिए, उनके लिए शुभ और फायदेमंद होता है। तो ये था 12 राशियों के बारे में, उनके फूड के बारे में। वैसे आपको जो पसंद है आप दिल खुश करके मन खुश करके जरूर खाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके लिए अच्छा फल देती है, अच्छा पोषक देती है, उसे थोड़ा सा भी ग्रहण करें लेकिन जरूर करें। तो ये था 12 राशियों के बारे में, उनके लाभ और हानि, अच्छे और बुरे, जो भी बातें थी मैंने सारी बातें इस वीडियो में शेयर की हैं। आप एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से यानी कि अपने राशि वाले गुरु से जरूर सलाह ले लें अपने बारे में। और मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंदे मातरम।